हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो ये हमारा फिफ्थ यहाँ पे ट्यूटोरियल है स्केचअप सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग। तो पिछले जो भी कुछ फोर यहाँ पे ट्यूटर्स थे उसमें हमने बेसिक मॉडलिंग के बारे में पढ़ा है। तो इस ट्यूटर में हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे कर्व सर्फेसेस के साथ या कर्व ज्योमेट्री के साथ। ओके, तो मूव ऑन यहाँ पे करते हैं। तो कर्व ज्योमेट्री बनाने के लिए जो बेसिक यहाँ पे टूल यूटिलाइज होता है वो है फॉलो मी। ओके, तो ये जो फॉलो मी टूल है, जैसे कि आप डिस्क्रिप्शन में इसके पढ़ सकते हो, फॉलो अ पाथ विद अ सिलेक्टेड फेस। ओके, तो ये पर्टिकुलर पाथ को यहाँ पे फॉलो करता है, तो उसको यूटिलाइज करके हम जो है कर्व सरफेस को बना सकते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ पे कर लेता हूँ, थोड़ा सा व्यू को एडजस्ट करता हूँ। तो सबसे पहले कर्व सरफेस या पैराबोलिक सरफेस बनाने के लिए हमें जो है बेसिक यहाँ पे सरफेस फॉर्मेशन करना होगा। तो यहाँ पे उसको करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे सर्कल को सिलेक्ट करूंगा। सर्कल सिलेक्ट करने के बाद जो भी हम रेगुलर सर्कल यहाँ पे बनाते हैं रेडियस वगैरह डाल के, तो हमें सिंपली वैसे ही यहाँ पे करना है। सपोज मैं 5 एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक बेसिक सर्कल फॉर्म हो चुका है। ओके, उसके बाद लाइन कमांड को आपको सिलेक्ट करना है और जो भी आपका पॉइंट है एंड पॉइंट से सेंटर पॉइंट तक आपको लाइन को ड्रॉ करना है। उसके बाद सिंपली पैरेलली आपको उसको आगे के एंड पॉइंट तक यहाँ पे लेके जाना है। ओके, उसके बाद ये जो मिड पॉइंट है या सेंटर पॉइंट है, यहाँ से आपको एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करना है। मैं डिस्टेंस डालता हूँ 5 और करता हूँ एंटर। ओके, तो 5 डिस्टेंस डालने के बाद ये कुछ ऐसा टी सेक्शन यहाँ पे या टी ज्योमेट्री यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है। ओके, ये टी आपको दिख रहा होगा। अभी यहाँ तक आने के बाद नेक्स्ट जो है वो है 2 पॉइंट आर्क। ओके, तो 2 पॉइंट आर्क आपको सिंपली सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद 2 पॉइंट आर्क सिलेक्ट करने के बाद ये फर्स्ट एंड पॉइंट, ये सेकेंड एंड पॉइंट, ओके, इन दोनों को आपको, इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करना है। और जो थर्ड पॉइंट आप सिलेक्ट करोगे तो वो यहाँ पे इसके क्राउन पे होगा या हाफ सर्कल यहाँ पे लिख के आ रहा है वहाँ पे होगा। ओके, तो सिंपली मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये ऐसा कुछ यहाँ पे सरफेस फॉर्म हो चुका है। उसके बाद मैं सिंपली इरेजर लूंगा, इसको इरेज कर दूंगा। ओके, ये जो अननेसेसरी यहाँ पे ज्योमेट्री है उसको। ओके, तो ऐसा एक शेप हमारे पास रिमेन रहेगा। ओके, तो इसके बाद हमें यहाँ पे सिंपली फॉलो मी टूल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद फॉलो मी यूज करने के बाद सिंपली हमें ये सेक्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं इस पाथ को फॉलो कर रहा हूँ, ओके, तो ये हमारी ज्योमेट्री यहाँ पे बनते जा रही है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ और कमांड एंड करने के लिए एरो पे जाता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो भी कुछ शेप है यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। ओके, और ये थोड़ा सा हॉलो शेप यहाँ पे बना है, तो अगर आप इसमें अगर फिल आपको करना है ये सरफेस, तो आप सिंपली यहाँ पे सर्कल लाइन कमांड सेलेक्ट कर सकते हो और एक जैसे ही लाइन ड्रॉ करते हो आप, तो आपको ये सरफेस भी यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप सिंपली उसको पुश पुल वगैरह जो भी आपका कुछ ज्योमेट्री में रिक्वायर होगा, सपोज मैं 5 एंटर करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ऐसी ज्योमेट्री आपकी फॉर्म हो गई होगी। ओके, तो ये बेसिक यहाँ पे पैराबोलिक शेप को बनाना था। तो इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाइड यहाँ पे एक हम शेप बना के देखते हैं। तो फिर से मैं यहाँ पे सर्कल को सिलेक्ट करूंगा, सिंपली डायमेंशंस 5 एंटर मैंने यहाँ पे डाला। उसके बाद सेम प्रोसीजर से हमें जाना है जैसे कि हमने पिछली बार यहाँ पे पिछले शेप के लिए किया था। ओके, सेंटर लाइन से फिर से एलिवेशन थोड़ा सा एलिवेट करना है लाइन को, एक्सिस को। तो ये 5 मीटर्स की मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ की। उसके बाद फिर से हमें यहाँ पे 2 पॉइंट आर्क को सिलेक्ट करना है, क्राउन तक आना है। उसके बाद एक्स्ट्रा जो भी सरफेस है उसको इरेज करना है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला शेप जो है ऐसा पैराबोलिक शेप यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो अगर इसमें आपको थोड़ा सा अलग शेप अगर चाहिए होगा, तो आप सिंपली फिर से 2 पॉइंट आर्क पे क्लिक कर सकते हो। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ओके, दोनों पॉइंट आपको सिलेक्ट करने हैं। और आइदर आउटसाइड, देखिए आउटसाइड भी आप कर सकते हो या इनसाइड भी कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मैंने इनसाइड यहाँ पे इसको किया और एक्सिस को आपको यहाँ पे फॉलो करना है, नहीं तो आपकी ज्योमेट्री जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट में नहीं दिखेगी। ओके, तो ऑन फेस यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद इरेजर लेके सिंपली इसको इरेज किया। तो जैसे मैं इरेज इसको करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ऐसा एक शेप यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। उसके बाद फिर से फॉलो मी हमें सिंपली लेना है, इस सरफेस को सिलेक्ट करना है पर्टिकुलर और इसके पाथ अकॉर्डिंग टू, सपोज अगर ये पाथ यहाँ तक ही होता तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको एंड भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं पूरा इस सरफेस पे यहाँ पे आता हूँ और सिंपली इसको क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने क्लिक किया इस पे, तो ये देख सकते हो आप कि ऐसा हमारा जो भी कुछ सरफेस है वो फॉर्म हो चुका है। ओके, तो सिमिलरली आप जो भी आपकी रिक्वायर्ड ज्योमेट्री है, ओके, जो भी आपके रिक्वायर्ड यहाँ पे कर्व्स है, तो वो आप इनको इस प्रोसीजर के हिसाब से आप उसको बना सकते हो। ओके, फिर एक बार नेक्स्ट कुछ हम यहाँ पे एक और शेप को ट्राई करते हैं। 5 एंटर मैंने किया,
यहाँ पे सिंपली सेंटर पॉइंट हमें फिर से एक बार लेना होगा। सेंटर से डिस्टेंस मैंने डाला 5। ओके, उसके बाद सपोज हम डायरेक्टली एक यहाँ पे ट्राइंगल यहाँ पे इसको बना लेते हैं। उसके बाद मैं फॉलो मी को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इस सरफेस पे यहाँ से यहाँ तक मैं आता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा जो भी कुछ यहाँ पे शेप है, ओके, तो ये यहाँ पे बन चुका है। ओके, तो सिमिलरली बाकी भी शेप आप यहाँ पे इसको एडअप करके इस ज्योमेट्री को बना सकते हो। सपोज मैंने रेक्टेंगल अगर मुझे लेना है या स्क्वायर शेप में लेना है, तो 5.5 में यहाँ पे एंटर करता हूँ। ओके, उसके बाद फिर एक बार लाइन कमांड को मुझे सिलेक्ट करना है, फिर इसमें डायगोनल लेके हमें जो है सेक्शन मिड पॉइंट जो है वो मिलेगा 5 एंटर। जो भी डिस्टेंस आपको चाहिए वो आप डाल सकते हो यहाँ से यहाँ तक। ओके, एक सरफेस यहाँ पे फॉर्म मैंने किया। उसके बाद ये जो भी कुछ एक्स्ट्रा लाइन्स हैं उनको सिंपली आपको इरेज करना होगा। उसके बाद फॉलो मी सिलेक्ट करके ये पर्टिकुलर सरफेस है। ओके, और जैसे ही ये सरफेस, ये देखिए यहाँ पे हम इस सरफेस पे जा रहे हैं, तो वैसे वैसे ये जो भी कुछ पर्टिकुलर शेप है ये फॉलो कर रहा है। ओके, तो ये हमारा ऐसा कुछ पिरामिड टाइप भी शेप यहाँ पे आप बना सकते हो इसके हिसाब से। ओके, तो ये बहुत ही बेसिक कमांड है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है। आप बहुत सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स इसके अकॉर्डिंग या इसके यूटिलाइज करके इसको आप बना सकते हो। ओके, तो ये इस ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही था, यहाँ पे कर्व सरफेस को फॉर्म करना। तो आगे जो है थोड़ा सा और डिटेलिंग में इन कर्व सरफेस का यूज़ करके कैसे हम मॉडलिंग कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर यहाँ पे करके जाना।